हमने तो कभी नहीं देखा था बहन बेटियों को ऐसे सरेआम बकवाद करते हुए जैसा अब आग लगी। वैसे ही नाचा करती वो अभी कोठों के अंदर गुप्त स्थानों पर ना धमका दिया करते उनको, कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो आम आदमी खुड़का दिया करता था। और आज बाप भी नाचे माँ भी नाचे और जवान बेटियां बकवाद करें वहीं सरेआम गली में, तो कैसा जुलम हो गया। ऐसे वो सामने तो डीजे बाजे और सारी बकवाद करें, वो भी पेपर मारी। और अगले दिन वो कलानौर के पास जाकर रोहतक से बारात गई थी, वो दूल्हे वाली गाड़ी किसी फोर व्हीलर या ट्रक से टकराएगी। वो दूल्हा भी मर गया, पांच सात और मर गए। अगले दिन टक्कर मारे बाल पाड़े हुए जो कल डीजे आगे नाचे थी। तो परमात्मा कहते हैं क्यों बकवाद में पांच दिहाड़ के फिर अक्के बिजली गिर गया कब। इसलिए दास ये बताता है कि हमने साधु की तरह रहना है। परमात्मा कहते हैं साधु सोए दो सीधा चाल है, भक्त वही है जो बकवाद छोड़ के और एक बिल्कुल साधारण जीवन जीवे। तो नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल के कर डारे और किस विधि ढल जा पाता वे, जिन्हा ते सर पे मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा आसा वे। नानक जी से भक्त कहा करते थे भगवान आप बहुत खोए खोए से रहते हो, कभी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हमने देखी नहीं। तब कहते हैं भाई किस चीज पर मुख मुस्कुराहट आवा यहां पर मंत्र, हमें तो पता तुम्हारे साथ के बिजली गिरेगी और तुमने पता को ना तुम्हारे दुख से मैं दुखी हूं। क्या यदि इन्हें नियम तोड़ दिया ये काल के मुंह में जाएंगे। तो अपने शिष्यों को मालिक वो नानक साहब जी कहा करते थे, कहते साध मिले साड़ी, कहते फिर आपको भी खुश नहीं होते, खुश होता हूं साध मिले साड़ी सादी होंगी और बिछड़ जांगल गिरी वे अख दे नानक सुनो जी हमें मुश्किल हाल फकीरी वे। ये मेरी भक्त आत्मा साध यानी संत भक्त साध चोए दो सीधा चाल है यानी भक्त, जब मेरे भक्त यहां वापस आ जाते हैं सत्संग के दिन तो मेरा शादी होती है, हमारा खुशी होती है आज यह शादी हो रही है। और जब ये चले जाते हैं बिछड़ जाए दिलगीरी वे मुझे बड़ा दुख होता है कि कहीं इन बच्चों को कोई काल का दूत हमसे दूर ना कर दे, इनको मिसगाइड ना कर दे। और जब तुम एज इट इज आ जाते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पौधों को दीमक लगी नहीं, कीड़ा नहीं लगा। साध मिले साड़ी सादी होंगी विछड़ जा दिलगीरी वे अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। किस काल के लोक में भक्ति बड़ी कठिन होगी क्योंकि सतमार्ग बताने वाला एक और अज्ञान फैलाने वाले लाखों और करोड़ों। तो इस प्रकार कहते हैं जो मुश्किल हाल फकीरी वे कि भक्ति का कराना और करना बड़ी मुश्किल हो गया है इन नकली संतों और ऋषियों के द्वारा भ्रमित कर दिया समाज। तो इस प्रकार हमने अपने इन क्रियाओं को भी सेट करना है। कई कहते हैं आपके गुरु जी तो नरे नियम बता दे हैं, इतने नियम ब्या करें, वह नियम है वह तो तुमने बकवाद खाम खा शुरू करा कि शराब पीना ओक्का पीना और ये मांस खाना ये कोई अच्छी बात है और फिर ये नाचना डांस करना है और ये और तरह की सब बीमारियां ला ली अपने साथ में कि सीधे कि पीड़िए। अपनी बेटी ने भगवान का सहारा दिला दो। राम रटत कन्या भली, राम रटत कन्या भली साकट बलो नपूत, जैसे बकरी के गल में गल थना जिसम दूध न मूत। अपनी बेटी हमें वो बेटी हमारी अच्छी है उस साकट बेटे थे पुण्यात्मा, उस समय जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए हुए थे और अभी भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित लोग बेटी से अधिक बेटे को महत्व देते हैं। यह हमारी ये भी एक काल का जाल है और यहां तक अज्ञान फैला रखा है अज्ञानी ऋषि इस काल के दूतों संतों ब्राह्मणों ने, कहते हैं जिसका पुत्र ना हो ना उसकी तो गति नहीं हो सकती। गति पुत्र तो ना हो भाई मंत्र तो होगी, भगवान की भक्ति से होगी, वो तो अपने पिंड ब्राह्मण की खातर
अपना कनागत कटवाने की खातिर प्रेरणा करते हैं। छोरा होगा तो तुमने श्राद्ध कर देगा, छोरी चली जाएगी, तुमने पूछा को ना कोई। लड़के और लड़की में कति अंतर नहीं मानना चाहिए। परमात्मा जो दे उसमें सबर करे। या आग लागी थी थोड़े से दिन पहले, अब तो सरकार ने कुछ कानूनी सख्ता बना दिया, फिर भी अपने आप भी बुद्धिमान लोग हो गए, समझने लग गए। नहीं तो इस दहेज के कारण, इस दहेज ने इसी आग ला रखी थी कि बेटी दो तीन बेटी होगी, और एक बेटी पर 2-3 लाख रुपए लगेंगे, और गरीब आदमी कैसे ब्याह होगा। अब ये आग हमने आप अपने पैर पर आपको अड़ाल मार रखा था, अब इसने हम बंद करांगे, आप पर सुखी हो गए, बेटी बुढ़िया को ना लागे। ये अपनी इस कुरीति ने बेटी दुश्मन बना दी, और बेटी के साथ धन नहीं, ये सत्कर्म मान लेगा। बेटा और बेटी खाना खा रहे हो और काम कह देते माता पिता, भाई वो काम करना था, बेटी तो रोटी छोड़ के चली जाएगी, और बेटा वो भी बैठा होगा ना बिना खाता हो जाए, बिना कहा क्यों कौन जाएगा, क्यों न्यू कान मारेगा, और बेटी रोटी छोड़ के चली जा, पहले तो अपने पिता के कुमावर फिर आगे जाकर अगले के कुमावर। तो कहने का भाव ये कि हमने अपनी इन अज्ञान सोच के आधार से जुल्म करना भी शुरू कर दिया, बेटी को गर्भ में मारने लायक गए थे। तो ये भूल भूल कर नहीं करना, महापाप के भागी हो जाओगे। परमात्मा जो देता है, बेटी एक हो चाहे दो हो चाहे चार हो, कोई दिक्कत नहीं, बेटा हो मालिक देता कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, भाई बेटा को ना, बेटा को ना, या भूल है आपकी। तो इस तरह इस ज्ञान से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपकी अप रुचि नहीं बनेगी। तो कहते हैं राम रटत कन्या भली और सकट बला न पूत। सकट एक तो होता नास्तिक, नास्तिक वो होता स्वयं भक्ति नहीं करता, दूसरे में बाधा नहीं करता, और साकेट वो होता जो खुद भी भक्ति नहीं करे, कोई करे तो उसके अधीन है कोई व्यक्ति, जैसे बेटा साकेट हो गया, और माँ बाप बुढ़ापे में अपने पुत्र का अधीन हो जाते हैं, पत्नी उसकी उसके अधीन होती है, बच्चे भी अधीन होते हैं। वो साकेट है जो बच्चे माता पिता और पत्नी भक्ति करने की चेष्टा करती है, नाम लेने जाना चाहती है, वो साकेट खुद भी भक्ति नहीं करता और उनको मना करता है, तो वो साकेट है, वो दुष्ट इंसान है। फिर आगे चल के उसके ऊपर बहुत भयंकर आपदाएं आवेंगी। परमात्मा कहते हैं नाम रटत कन्या भली साकट भला नकूत और छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। छेरी माने बकरी, बकरी के गल में एक गण थन थन जैसी एक खाल लटका करे, बिल्कुल थन जैसा ही होता है, वो लटकता रहता है गले में, तो वो व्यर्थ का बोझ होता है उस बकरी के गल में, ना वो दूध का काम आवे ना मूत का, यानी किसी काम नहीं आता, व्यर्थ का वजन घसीट रही है। तो कहते हैं वो साकेट बेटा, वो तो उस माँ बाप के गल में एक खाम खां का बोझ लटक गया, क्यों उस पर 100 आपदाएं आवेंगी। भगवान से दूर प्राणी कदे सुखी नहीं रह सकता। ठीक है जब तक कुछ पुण्य चलेंगे पूर्व संसार के तो सुखी नजर आएगा, और पाप भी शुरू होंगे, फिर पाप भी भोगने पड़ेंगे, फिर वो महादुखी होगा। तो बेटा दुखी होगा तो माँ बाप भी दुखी होंगे, उनकी भक्ति में बाधक बनेगा। और बेटी नाम ले रखे है, भक्ति करती है, उसकी उसको उसका विवाह कर दिया, ससुराल जाएगी, तो वहां भी परमात्मा अपने उस पुण्यात्मा के साथ रहेगा। और उसके प्रारब्ध में मान लीजिए कोई पाप कर्म आता है, दुखदायी काटा आता है, तो मालिक उस पाप कर्म को समाप्त करेगा, बेटी के दुख ऊपर दुख नहीं आने देगा। तो फिर बेटी दुखी नहीं होगी तो माँ बाप भी सुखी रहेंगे, उनकी भक्ति में बाधा नहीं बनेगी। तो इस प्रकार कहते हैं नाम रटत कन्या बली सकट बला न पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। तो भाव ये हमारा कहने का कि हमने इस अपनी बेटी को और बेटे को दोनों को ही परमात्मा के मार्ग पर लगाना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है, और फिर परमात्मा उनके साथ हो जाएगा,
आने वाले उनके संकटों का आप पर निवारण करेगा, क्योंकि भगवान के गुणों में ये लिखा हुआ है कि परमात्मा अपने बच्चों के संकटों का निवारण करता है। सत साधकों का, जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं और नियम निभाते हैं। पिछले हम बहुत से इतिहास पढ़ते हैं, कथाएं भी हम सुना करते थे, बहुत से अच्छे आचरण भी महापुरुषों के हमने देखे और पढ़े हैं, लेकिन हम आचरण कति नहीं करते। परमात्मा कहते हैं करनी तज कथनी कथन अज्ञानी दिन रात को कर्जो भौकत फिरे ये सुनी सुनाई बात। ये कथा भी करते हैं, कथावाचक भी हैं, बड़े बड़े संत बड़े लतीफेदार प्रवचन करते हैं, लेकिन उनके प्रवचनों का किसी पर कोई असर नहीं। और श्रद्धालु बहुत गणे, कोई विकार नहीं छोड़ रखा, सब कोई बीड़ी पीवे, कोई गुटी लावे, कोई पान खावे, कोई और सारी सब क्रियाएं करते हैं। तो फिर भगत में और अभगत में अंतर क्या रहा, कारण क्या है, ये कारण बताएंगे। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने लगी और वो कहने लगी कि या मेरी बहन बहुत दुखी है और इसने ऐसे ऐसे धन धन सतगुरु सरसावाड़े का नाम भी ले रखा है और फिर भी मां दुखी है। तो मैंने कहा बेटी यहां उपदेश ले और ये बीड़ी तमाखू शराब मांस ना छूना है ना पीना है ना किसी को पियाने के लिए देना है। आप वो ये बीड़ी बैडी का तो मैंने उसको नहीं कहा बीड़ी शराब, क्योंकि वो लड़की थी, मैं या के बीड़ी पीनती होगी। बाकी हम नियम बताते हैं, पहले ये दास पर्सनल बताया करता था, थोड़ी संगत होती थी तो उसको बताइए ये साधना नहीं करनी है, ऐसी साधना करनी है। तो वह कहने लगी जी नाम तो हमने ले रखा है, नाम में के लोग के द्रुत हमने लेने की, गुरु तो एक होता है। मैं बोला बेटा गुरु एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है, दूसरे से इलाज करा ले, क्या बात है। नो बोला जी नो कहें पाप लगेगा, वहां नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। झूठे गुरु ने त्याग दे कति पाप नहीं लगेगा, सच्चे गुरु ने त्यागेगी तो पाप लगेगा। नो बोले जी महाराज गुरु तो सच्चा ऐसा है। मैं फिर सच्चा बेबे यहां क्यों आई, अपने सच्चे दौरे जाओ भक्ति कर ले वहां पर। उसकी बहन बोली इनका नाश हो पड़ा है, अरे यह सच्चा गुरु बताओ है। फिर उस पुत्र ने कितने दुख गिनवाए उस बेटी ने। मैं बोला बेटा नाम ले और भक्ति कर, अब मेरा पटेगा सच्चे और झूठे का। तो नो बोली जी या बीड़ी पिया कर, उसकी बहन बोली या बीड़ी पियो है गार्डन जोगी, लड़की होकर बीड़ी पियो तुमने शर्म नहीं आती। तो नो बोली जी पहले ना पिया करती, मतलब नाम ले पाछे पीने लाएगी। मां ठीक, नाम से पाते छोड़ दिया करें, बुराई में शुरू कराया करें। वह कहने लग जी हमारे में सत्संग में जाया करती, गांव में सत्संग करती हैं औरतें, और फिर बीच में जब रेस्ट करें ना वह बीड़ी पिया करें साइड, और प्लेट में डाल के बीड़ी और माचिस अरे खुली सींक ऐसी बढ़िया सजा के ना सबको देती है ए प्रसाद। और मन ने कहा पीले प्रसाद से वो प्रसाद पीने लाएगी। मैं बोले छोड़नी पड़ेंगी, कहने का भाव छोड़ते भाव ये है वो छोड़ना पड़ेगा, तो भगवान से यह सुख लेना तो सब बुराई त्यागनी ही पड़ेगी, मान गई वह चलो कोई बात नहीं। तो कारण क्या है कि उन संतों के पास वो भक्ति नहीं है मार्ग जिससे जीव को सुख मिले। जो पुण्यात्मा है जो भगवान की चाह दिन में है और वो संत की तलाश में चली गई, नाम ले लिया उन संतों के पास, उनको कुदरती सुख हो रहे हैं जब तक उनके पुण्य चल रहे हैं। तो भोली आत्मा कहते हैं हमारे गुरु जी के कारण हमें ये लाभ हो गए। इसे लाभ तो हमारे भी आ करते, हम हनुमान जी ने श्याम जी ने पूजा करते, श्री कृष्ण जी ने कोई गुरु भी ना बना रखा था। जैसे कक्षा में पास हुए तो अपने हमारे भगवान ने पास कर दिया, हनुमान जी ने पास कर दिया, श्री कृष्ण जी ने कर दिया, फिर नौकरी मिली, बाबा श्याम जी की दया होगी, यानी सारे का नाम लिख देते थे निकल।
भाई पुत्र हो गया, बेटी होगी, इस तरह नौकरी मिली पास, तो वो सब ये तो हमारे भी होया करके, जो कति को गुरु ना बना रखा था, ये तो हम जब तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे थे वो हमें परमात्मा दे रहा था, और जिन्होंने गुरु बना रखा है उनके भी चल रहे थे, उनको भी हो रहे हैं, तो वो नहीं सोचते थे जब तक उनको सुख था तो हमने इस गुरु जी से लाभ हो रहा है, और फिर उनकी दुर्गति होनी शुरू हुई, वो गुरु जी वही गड्ढा था और सारी ब्रांड मट्टी होगी। एक नो कहता है कि मेरे दो लड़के थे, दोनों मर गए, हमने राधा स्वामी नाम दे रखे थे, और जब तेनों का एक बहन मिली हमारे को रोहतक में, एक लौता पुत्र था 25 साल का, होकर मर गया, राधा स्वामी का नाम ले रही, तो हमने उसको ये जिक्र कर दिया बेबे तू नाम ले रखी बहन तने और तेरी ब्रांड मट्टी होगी, उस पुत्र ने तो तुम सर्वस्वा मानते हो, अगली नौकन तेवा बुंडी तेरे रोन लाएगी, नो घनी आणमा तो वह शांत हुई पुत्र की मृत्यु का नाम सुनते ही। और फिर न्यू बोली अग्नि मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ना कहो, ये तो मेरे भाग में था, फिर गुरुजी ने गांडे की जो तेरे भाग में था रही मर गया, फिर गुरुजी का सिरपद रहेगी तू क्या करेगी गुरुजी का, यानी बहुत मुश्किल से समझाया, तो इतना बिगाड़ दिया लोगों ने काम, गुरुजी नहीं बदलना चाहिए, इतने श्रद्धालु वहां गए हुए हैं और उनको जब तक सुख चल रहे हैं तो वो औरों ने भी ले जाते हैं, देख हमारे ऐसा सुख हो गया, मैंने नौकरी मिल गई, फलान हो गया, अरे उनकी दुर्गति हो रही है, सारे विरान में टेड वापस आम लाग रहे बेचारे, अब रो रहे हैं कि मैंने 20 वर्ष खो दिए, मैंने 30 वर्ष खो दिए, कुछ भी लाभ नहीं रहा, मैं उजड़ गया, कभी मेरा तीन तीन गाड़ी चालन थी, आज एक भी कोई ना, रिक्शा भी नहीं, साइकिल भी नहीं रहा, कि जब तक उनके पुण्य चले तब तक वो सुखी नजर आए, और जब पाप कर्म का दौर चला वो पाप काटने के संत नहीं है, वो तो जैसा तुम्हारा प्रावध मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा। तो इन संतों के वचन में शक्ति नहीं, परमात्मा का सहारा नहीं, इसलिए उनसे कोई भी विकार छूट नहीं रहा। एक संत का प्रवचन सुना मैंने, जम्मू वाले का कबीरपंथी है वो, उससे किसी ने कहा कि महाराज तुमने यहां तो बीड़ी पीते हैं आपके चेले सारे, जो बेटा बीड़ी पीना मना कर दूंगा तो यहां कोई नहीं आएगा, अरे वाह फिर तो शराब का ठेका और खुलवा दिया आश्रम में और गणे आ जाया करेंगे, तो ये तो दुनिया ने बुकाए बैठे हैं मधु परमहंस, ये उसाय बंदगी वाले की ये वचन वह रिकॉर्ड कर रखे हमने उसके टीवी पर, तैसे ऐसे संत ने कहा यहां बीड़ी पीना मना तो कर दूं पर यहां कोई नहीं आओगा, चाहिए फिर तू यहां पर और भी कोई खुलवा दे ठेका ठेका। तो इस तरह के संत दुनिया मूर्ख बनाए बैठे हैं, श्रद्धालु बेचारे वो तो अननोन है, अनभिज्ञ है, किसी भी मार्ग से डॉक्टर के सामने मरीज के बोले, चाहे कति नकली डॉक्टर हो और बोर डॉक्टर का हो, अब मरीज के कहो तो बैठ जाएगा जाके जी मेरे यह तकलीफ है, वो चाहे किसी टेबलेट दे उन्होंने खाने तो मतलब है आराम हो ना हुआ उसके, तो नहीं होगा तो दूसरे दौर चला जाएगा। तो ऐसे आप जी को डॉक्टर बदलने में कोई हानि नहीं, लाभ होगा, गुरु बदलने में कोई पाप नहीं है, तुरंत बदल देना चाहिए, झूठे गुरु को तुरंत बदल देना चाहिए। अब परमात्मा हमने जो बुराई को इसको समाप्त करना है, परमात्मा ये कहते हैं जब तुम्हारा आचरण ठीक होगा, तुम्हारा स्वभाव ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, तभी तो तुम भक्ति गढ़ी कर पाओगे, और छोटी छोटी बातों के ऊपर भाई के साथ भाई मुकदमा कर दे, बहन भाई का मुकदमा चल रहा है, समाया के अंधे होकर लोग पता नहीं के जुलम हो रहा है, तो फिर भक्ति कहां होगी, सारा दिन टेंशन बनी रहेगी, तो हमने बहुत सुधार की आवश्यकता है। जैसे राजा जनक ने सीता जी का ब्याह कर दिया और संस्कार था अच्छी जगह भी, राजा का राजा के लड़के का ब्याह कर दिया है? और फिर सीता अब जैसे ही ब्याह करवाते हैं ना आप जी, फिर एक ब्याह सुधवान जावे ब्राह्मण दौरे पंडित जी के पास, ब्याह सदवावेंगे, यानी कौन सा ब्याह किस लग्न में किस नक्षत्र में ठीक रहेगा, तो ये ब्राह्मण लोग यानी ये बताने वाले जो छी जा छी ये नो कहेंगे फलानी तारीख को शुभ है
उसको शुभ है, इस महीने में ब्याह नहीं करना चाहिए, इसी लटोटर बताओगे। और उन सभी आज तक जितने भी भक्त व्यक्ति हैं सभी ने इन बामना लगन कटवा के ब्याह करे, और फिर भी बेटी विधवा होगी, फिर भी उनकी दुर्गति हो रही। तो परमात्मा कहते हैं कर्म रेख टारी नहीं टरे, तुम जो साधना करते हो तुम्हारी जो कर्म के लेख हैं वो नहीं टल सकते, वो टलेंगे पूर्ण परमात्मा की सत साधना से, कबीर जी की साधना से आपके माड़े लेख भी टलेंगे। उसके बारे में क्या बताते हैं, जब सीता जी का ब्याह करा वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ के गुरु थे, और श्री राम और रामचंद्र लक्ष्मण जी के भी गुरु थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। जब राम ने धनुष भी तोड़ दिया 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया, किस लिए कर दिया कि अभी शुभ घड़ी नहीं है, 3रे 4थे दिन जाकर शुभ लगन सही नक्षत्र हो जाएंगे और फिर लड़की सदा सुखी रहेगी, इनका इनकी जोड़ी सदा बनी रहेगी, सुखी रहेगी। और फिर सीता जी का ब्याह होया, ब्याह होते वनवास होया, वनवास में अपहरण होया, वहां सीत खड़ा हो गया, अपना कितने का आदमी मिले, जब वापस लाया सीता जी को, आते फिर घर तक काट दी, बता के सुख होया उसने, उस ब्राह्मण यानी आज के ब्राह्मण उस वशिष्ठ मुनि जैसे नहीं हो सकते। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं वशिष्ठ मुनि से तत्वे त्रिकाली योगी, जिसने तुम तीनों कालों के जानने वाले सम्मानते थे, वशिष्ठ मुनि से तत्वेता योगी और शोध कह लगन धरे और सीता हरण मरण दशरथ का, वो बण बण राम फिरे के सारा दिया उस लगन के शोधन में, बाप मर गया, अब वनवास होया, धके खाता हंडा राम, रावण राम की तय सीता की तय, के सारा दिया उस लगन ने। तो इस प्रकार परमात्मा का नाम लेकर आप किसी दिन और किसी मुहूर्त में कदे ब्याह करो बच्चा का, कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो समर्थ का तो न्यू बेरा पट्ट है, दिशा सूर्य दो दिश का खोया है, देखो पहले क्या कहा करते हैं, ये जाते थे ना व्यापारी लोग, तो वो ब्राह्मण कह देते कहां जा रहे हो, किस दिशा में जाना, हमने दिशा बताओ ब्राह्मण जी, ये दिशा ठीक है कि नहीं, ना इस दिशा में ना जाइए, इधर दिशा सूल है, है? अरे उसने जाना उस व्यापार करने में था, दूसरी साइड में क्या गड्ढेगा, वो जाना तो वहीं था, एक हफ्ता वहां बैठे रंग के होना होता वो हो ही जाता। तो परमात्मा कहते हम ऐसा नाम देंगे थारे दसों दिशा का दिशा सूल समाप्त हो जाएगा, चाहे लेफ्ट जाइए चाहे राइट, ऊपर जाइए चाहे नीचे, कहीं यानी आकाश में विमान में जाना चाहे किसी तरह जाना। तो उसके लिए कहते हैं भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। गरीबदास साहेब जी जब परमात्मा की महिमा से परिचित हुए, फिर उनके पास जैसे होली वाले दिन भगतवीर और गांव के भी जैसे आपस में आओ महाराज को होली खेलेंगे, बोला हम ना खेला करते या होली, हम तो वो आज तुम होली खेल रहे हो, एक का बालक मर जा सारी होली खेल, गांव में तोवा ना चढ़े तुम्हारे। तो हम कहते हैं समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, यानी उस समर्थ की शरण में आ जाओ, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड की शरण में, कबीर जी की में, फिर तारा सदा सदा खुशी रहेगी, सदा त्योहार रहेगा। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो, फिर कभी भी तुम्हारा अकाज नहीं होगा, तारा बुरा नहीं होगा, वो राम नाम की होरी तारा सदा बनी रहेगी। तुम कहते हैं ऐसी होरी खेलो तुम। अब परमात्मा हमें आकर के बताया करते थे, यही ज्ञान देते थे कि तुम गलत जगह फंस रहे हो, पहले तो अपने ये तुमने खाम खा के जो अपने मार्ग में बाधा बना रखी है, ये दहेज
और ये पीढ़ी ये रसी देर बात ये बरात के पूरे लावड़ डाले जाया करते, इसकी कति आवश्यकता को ना। पहले अलग चीज थी, जैसे पहले दूसरी शादी करने के लिए दूर देश जाना पड़ता था और रस्ते में पहले लड़कियां कम होती थी और इसे निकम्मे होते थे, कुछ लोग विवाहिता लड़की को भी छीन ले जाते थे अपना वंश लाने के लिए। तो इसलिए बरात ले जाना तो वो उनके अंगरक्षक जाया करते थे बरात में, सुरक्षा का था वो कंपनी। तो जैसे गाड़ियां में जाना होता था, बैलगाड़ियों में रस्ते में जंगलों में निकला करते, तो वो उनके साथ वो एक सुरक्षा गार्ड थे। इवन की जरूरत रही ना है अपना दो चार जार ब्याह ठीक ठाक अपना सिंपल वे से कर ले, परमात्मा की वाणी बोले, भगवान बच्चों का संयोग जोड़े और सिंपल सादा करे, बकवादों की जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा इस तरह हमने पहले तो समाज का समाज सुधार यानी अपना सुधार करना है तो आपका समाज सुधार हो जाएगा। खेत संवारना अति आवश्यक है बीज बोने तो पहले। तो इस दास का प्रयत्न यही है कि पहले तुम ये इस तरह की बकवादियां छोड़ो ताकि ये टेंशन कम होवे। टेंशन कम होगी तो भक्ति बढ़ेगी और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ आप इस बुराई से भी बचोगे जो अति आवश्यक है। भाई मानुष जन्म दुर्लभ है, नलैन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगे डार। अपने आत्मा परमात्मा बताया करते थे यो सौदा फिर ना ही रे संतो, ये सौदा फिर ना ही, यो सौदा फिर ना ही रे संतो, यो सौदा फिर ना ही। लोहे के सा ताव जात है, लोहे के सा ताव जात है, काया देश राही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हो मूल गवाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब दग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, वो लेखा दरगा माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण दे पाय कर, नर नारायण दे पाय कर, तुम फेर चौरासी मजाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, तो जामण मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिए उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, गरुड़ बांध फिर गरुड़ जैसे पुराणों होता है, गरुड़ बांध फिर पंडित आए, गरुड़ बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसे ती फिर पशुआ की जय, नरसे ती फिर पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये छप्पन भोग कहाँ मन बोरे, छप्पन भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पै जाग राजे, प्रेत शिला पै जाग राजे, फिर पितरों पंड वराई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहां धूप नाठ छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत निरत मन पवन पियाना, सुरत निरत मन पवन पियाना, सबदे शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मोह मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। पुण्यात्मा, आप जी के पुण्यों का, आप जी के शुभ संस्कारों का, आप जी की किस्मत का, यानी अच्छे अच्छे पुण्यों पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, आप जी को ये ज्ञान, ये अमृत वर्षा आपके ऊपर हो रही है, ये ज्ञान सुनने को मिला। सकल पदार्थ हैं जगमाही और कर्महीन नर पावे नाही। जो माड़े भागा के व्यक्ति हैं वो दूर रहते हैं, संतों की बुराई करते हैं, भक्तों के साथ बकवाद करते हैं, अपने दूने कर्म बिगाड़ा करें। और पुण्यात्माओं, आपके ऊपर कितनी रजा है परमात्मा की, इस दास को कितना बदनाम कर दिया हिनकाल के दूता ने, जनता को भ्रमित कर दिया, राजा को भ्रमित करके हमारे पीछे लगा दिया, और ये महादुष्ट वो दोषी हो गए, जनता को भगवान से दूर कर दिया, और बुराई की जो ना आलोचना करने से, संत और भक्तों की निंदा करने से महापाप का भागी बना दिया। उनको कितना पाप लगेगा और जनता कितनी दुखी होगी कुछ दिनों में, और आपके ऊपर कैसी कृपा, इतना कुछ छुड़कर फिर भी मालिक के चरण में आ गए आप। जो पहले थे वो तो दृढ़ हैं ही, क्योंकि उनको तो पता था सब बकवाद की जा रही है, वो तो डगमग होने का काम मन ही था, और उसके बाद ये और कई हजारों की संख्या में परमात्मा पुण्यात्मा फिर आ रही है। तो आप जी के पुण्य कर्मों का, आप जी की शुभ कर्मों का कोई अंदाजा नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं किया जा सकता, कितनी पुण्यात्मा है आप। तो यहां क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, कि यो सौदा फिर नाही, ये मनुष्य जीवन का मिलना, और मनुष्य जीवन में परमात्मा की भक्ति, ओए होए जैस में परमात्मा की भक्ति नहीं बनी, ये सौदा भगवान की भक्ति का नहीं किया, तो फिर समय नहीं मिलेगा।
क्या बताते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौद आही और दुगने तिगने करे सोगने किसे न मूल गवाही। अब जैसे कोई व्यापारी बिजनेसमैन दो चार दस लाख रुपए लेकर के दूर देश में चला जाता है, दूसरे प्रांत में चला जाता है, वहां कमरा धर्मशाला में किराए पर लेता है, वहां से सौदा खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, बेनिफिट कमा रहा है, तो वो अपने मूल धन का जो 10 लाख रुपए ले गया था वो मूल धन था, उस मूल धन के दुगने तिगने चौगने करके वापस आओगा। और जो दूसरा ऐसे ही पैसे लेकर गया है, कमरा किराए पर ले लिया किसी रेस्ट हाउस होटल में और वहां खाता है पीता है मस्ती मारता है फिल्म देखता है खाकर सो जाता है गुटी लाता है, वो अपने मूल धन को नष्ट कर रहा है। जिस मूल धन से जिस पैसे से 10 लाख रुपए से इसने आगे बिजनेस बढ़ाना था वो मूल पूंजी को भी खर्च कर रहा है और नष्ट होकर के बर्बाद होकर के कंगाल होकर के स्वदेश लौटा होगा। तो यहां क्या बताते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्दश 14 भवनों में ये सब के सब सौदा कर रहे हैं और दुगने तिगने करे चौगने किन्हो मूल गवाई। पुण्यात्मान इसके दुगने तिगने चौगने कर लिए, जैसे आप जी को मानव शरीर मिला, ये मानव शरीर के जो श्वास है एक जीवन आपका दिया हुआ है, जितने श्वास वो गिनकर डाल रखे परमात्मा ने, तो श्वास रूपी मूलधन ये जीवन रूपी मूलधन आपको भगवान ने दिया मनुष्य जीवन। और जो पुण्यात्मा है वो इस मूलधन से दुगने तिगने चौगने कर रहे हैं, जैसे कोई भक्ति कर रहा है सेवा कर रहा है दान कर रहा है, तो इस तरह तो आपके दुगने तिगने चौगने बन रहे हैं। और जो सारा दिन बकवाद गड़े हैं सिनेमा देखे हैं ताश खेल रहे हैं और भाई और इधर उधर गप्पे मारे, वो अपने मूल धन का नाश कर रहे हैं। तो यहां बताते हैं तीन लोक और भवन चतुर्दश सब लग सब जग सौदे आई और दुगने तिगने किए चौगने किन हो मूल गवाई। ये सौदा मनुष्य शरीर में बनेगा। कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। ओए होए, क्या बताया परमात्मा ने कि ये मनुष्य शरीर आपका, इस मानव शरीर में ही आप ये कर्म ये क्रिया कर सकते हो, परमात्मा पा सकते हो, अन्यथा ये मनुष्य शरीर आपके हाथ से छूट गया फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये लोहा गर्म है, जैसे लोहे को गर्म करके कारीगर तुरंत बाहर निकाल लेता है और तुरंत उस पर चोट मार के कट्टा कट और जो बनाना चाहता है उस जिसके जिस उद्देश्य से उसने गर्म किया था वो यंत्र वो बना लेता है, वो औजार बना लेता है। और यदि वो लोहा जरा सा ठंडा हो जावे फिर उसके ऊपर से सारे गणन सारे हथौड़े न तोड़ ले वो कुछ नहीं बने, बांगा टेढ़ा हो जाए। तो ये मनुष्य शरीर एक लोहे लोहा गर्म लोहा है और इसके ऊपर ये राम नाम की चोट जब मार ली तो आप इसको इसका उद्देश्य पूरा कर लोगे। अन्यथा क्या होगा कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरे काल पक यम दूत पकड़ेंगे बाही। या चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे प्रधानमंत्री हो जिसे नाम सुप्रीम माना, और जब उनकी उन्होंने भक्ति नहीं की, पिछले पुण्य कर्मी प्राणी है पिछले संस्कारों से आज इनको ऐसी सुविधा राजपद प्राप्त है, आगे भक्ति नहीं की तो पिछली बैटरी इनकी डिस्चार्ज हो जाएगी, भविष्य का चार्जर इनके पास है नहीं, तो वहां यम के दूत बाम रोड कर ले जाएगा, जैसे पुलिस वाले ले जाते हैं अपराधियों को। कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरा यम पकड़ेंगे बाम। फिर क्या बताते हैं, नर नारायण देही पाकत फेर चुरासी जाही। मनुष्य कितना मनुष्य जैसा परमात्मा जैसा सुंदर शरीर आपको मिला हुआ नर नारायण,
और इस अच्छे शरीर में इतना सुंदर शरीर आपको भगवान ने दिया है अन्य प्राणियों से भिन्न, और इसको प्राप्त करके तो फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामण मरण मिटाई। अब वही बात आ गई कि ये नकली संत और ये इनकम्प्लीट गॉड, इनकी साधना से जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती। जैसे अभी आपको बताया था ब्रह्मा विष्णु में इसकी भी मृत्यु, ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है इसकी भी मृत्यु, और जो अक्षर ब्रह्म अक्षर पुरुष 21 सात संग्रांड ब्रह्मांड का स्वामी इसकी भी मृत्यु, केवल एक परम अक्षर ब्रह्म की मृत्यु नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म कंप्लीट गॉड है। तो इनकी क्या बताते हैं, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जमण मल मिटाई, जो ब्रह्मा जो विष्णु और शंकर जी का को इष्ट मान कर और आगे उपदेश दे रहा है, तो वो जन्म मरण नहीं मिटा सकता, क्योंकि विष्णु जी का मिटा नहीं, शिव जी का मिटा नहीं। कोई ब्रह्म तक की साधना बताता है तो वो भी जन्म मरण नहीं मिटा सकता वो संत, और परब्रह्म का दिन बेरा है कोई नहीं, वो है के चीज। ये कुछ पंथ जैसे राधा स्वामी पंथ के ये कई डेरे बने हुए हैं, इसमें से निकला हुआ एक सच्चा सौदा डेरा, सच्चा सौदा सरसा, ये राधा स्वामी वाली ही साधना है, वही ज्ञान है, उसी से निकला हुआ ये पंथ अलग से बना हुआ है। लेकिन इन्होंने थोड़ी सी अपनी चतुरता दिखाई है, वो 5 नाम छोड़ दिए, इन्होंने 3 नाम शुरू कर दिए। वो क्यों छोड़ दिए कि लोग ये कहने लगे कि ये तो काल के नाम है, कौन कौन से, ओंकार ररंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम, ये 5 नाम है राधा स्वामी जाने के। तो वहां कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया कि ये तो काल के ही नाम है पांचों के पांचों, तो मोक्ष कैसे होगा। तो सतनाम सिंह जी ने जो कि बलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह जी का सिस्टर, श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना जी ने ये अलग से सच्चा सौदा सिरसा में चलाया था, जो सावन सिंह जी के शिष्य थे ये बलोचिस्तानी सामस्ताना जी, इनका वास्तविक नाम खेमामल जी था। तो इन्होंने वहां इन्होंने तो 5 नाम से ही चलाया था, फिर सतनाम सिंह जी ने को कहने लगे अन्य कि ये तो 5 नाम काल के हैं, तो उन्होंने नाम बदल दिए, सतपुरुष शब्द स्वरूपी राम अकाल अकाल मूर्त ले ये नाम दे दिए, भी नमक कोई नहीं टोकेगा। और फिर कहते हैं गुरु कोई नाम दे दे उसी से मोक्ष हो जाएगा, घर का राज बना रखे ने। अरे जिन संतों ने भगवान पाया उन्हें ठोक कर कहा कि इस मंत्र से सतनाम से मोक्ष होगा, सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम और एक और गुप्त है, ये दास बताएगा, वो तत्व मंत्र है। इन्होंने ठेका ले रखा सतलोक का, अरे न कह कह का नहीं बेरा, ना सतलोक का बेरा, ना सतपुरुष का पता, ना उसके पाने की विधि के मंत्रों का ज्ञान इनको, तो ये कहां ले जाएंगे ये लोग। तो इनसे भी जान मन मन निमिट है। तो यहां क्या बताया है, नर नारायण देही पाक तो फेर चुरासी जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जमण मरण मिटाई, जो जन्म मृत्यु को नष्ट करे मैं तो उस सतगुरु पर बलिहारी हूं। कुल परिवार तेरा सतल सकल कबीला मसलत एक ठराही, जब मृत्यु हो जाती है कुल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं कुनबे के और कहते हैं ठाओ भाई ठाओ, जल्दी करो जल्दी करो, क्यों 2 दिन रह जाए, बांस उठ जाए उसमें कीड़े पड़ जाए, इसी दिशा गंदा शरीर है, लेकिन यह सबसे श्रेष्ठ शरीर भी है क्योंकि इसमें भगवान पाया जा सकता है। यदि परमात्मा प्राप्ति की नहीं बनी शरीर से, यह मिट्टी है, आज भी मिट्टी है, कल भी राख बन जाओगी। इस मिट्टी से हम सोना यानी राम नाम का सोना इसमें हम उत्पन्न कर सकते हैं। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरघट को ले जाई, कहते ठाक है तेरे उस शरीर ने।
सौना है अब धरके कंधे पे बना तो उसकी वजह अर्थी और शमशान घाट पर धरके और घेर के ईंधन है। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। और फिर कहते हैं पुराण बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। इन शहरों में विशेषकर एक और बीमारी ला रखी थी इन नकली गुरुओं ने। और वैसे तो अपने गांवों में तो कम में था ये रिवाज, फिर वो एक ब्राह्मण बुला लिया करते, वो एक दो दिन टुटर करता, पांच सात दिनों कर लिया करता था। तो एक और था गरुड़ पुराण का पाठ कराया करते थे मृत्यु के बाद, कराते भी हैं अभी, ये दो दूसरे ब्राह्मण बणिए जो है ये कराते हैं। तो उन्हें परमात्मा कहते हैं मरण वाला मर गया, वो चला गया अपने कर्म आधार से, ना जाने कितना पशु बने पक्षी बने नर्क जावे स्वर्ग जावे, उसके भाग में जो पिछले संस्कार हैं जो जीवन में किया। अब मरने के बाद उस गरुड़ पुराण के पाठ का क्या लाभ होगा उस मरने वाले को? गरुड़ पुराण का पाठ उसको पहले बढ़ाना चाहिए था मृत्यु तो पहले, क्योंकि गरुड़ पुराण में ये लिख रखा है कि जो दान नहीं करता, जो भक्ति नहीं करता, जो बुराई करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, हैं? कोई ऐसा कर्म करता है उसका ये अंग कट जाता है, वो ऐसा करता है तो अंधा होता है। जैसे परमात्मा कबीर गरीबदास साहिब जी ने कभी परमात्मा कबीर जी की उस वाणी से परिचित होकर के ये ज्ञान बताया है कि पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोला। ये है गरुड़ पुराण, ये है वो गरुड़ पुराण। मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी, शराब पीते हैं उनके 70 जन्म कुत्ते के बनेंगे। तो कहते हैं ये गरुड़ पुराण तो पहले पढ़ाना चाहिए था, जब तक वो डरता बुराई से डरता, बुराई ना करता, भगवान की भक्ति करता, अच्छे शुभ काम कर जाता। अब वो मर लिया कि गद्दा बनाना तैयार हो रहा है और पाछे उसका गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं तेरा मरे पाछे घी की नाल देने, मरने के बाद मुंह में घी डालने का क्या दुख हुआ। फिर क्या बताते हैं, नरसे तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन भोरे कित कुरड़ी चरणे जाई। होए होए पुणात्माओं आम डीट हो लिए। डीट का तात्पर्य है कि हम भक्ति से दूर हो गए और अपनी ही सोच से हम चलते रहे। अगर आपके अंदर जरा सा भी डर भगवान का हो और इस बात ना आप सुन रहे हो गए, कलेजा मुंह को आ जा। आज हम मनुष्य कितना सुंदर आहार करते हैं, दूध दही घी मक्खन काजू किशमिश सेब संतरे है? और यदि भक्ति ना करी, पूरा संत की तलाश ना की, फिर क्या होगा? नर से तो फिर पशु बनेगा, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन भोरे कि तक कुरड़ी चढ़ने जाई। ओए होए आज तो देखो भूख लगे जब आहार कर लेते हैं, सफर में जा रहे हैं, रोक भाई गाड़ी ने, चाय पीवांगे बना दे भाई चाय दो कप, समोसे ला फलान ला सारी, क्योंकि आपकी पुण्य है पिछले संस्कार है, किसी ने खाते है खंडा किसी तरह कर। तो अब भक्ति ना करने से फिर देखना कुत्ता बन गया, बैल बन गया, बैल है। अपने आत्मा एक घना विस्तार तो बताने की जरूरत को ना, जिनकी ये बांग का नशा उतर रहा होगा, माया का नशा जिनका उतर जाता है, तो उनको अंडरस्टूड होता है कि गधा बनने के बाद के बनेगी, कुत्ता बनने के बाद क्या होगा इस जीव के संग में। अब कुत्ता सारी रात गली में बैठे, सारी रात भौंके की शोभा बना रखा है भौंकण का, और सुबह उठते उसको भूख लगती है और किसी दरवाजे किसी का गेट खुल जाता है ना सुबह सुबह, वो तो दावलाएं बैठे भाजा जागा सीधा आंख से बचाकर अंदर बढ़ जाता है घर में। और घर में भी फिर कहां जाता है, रसोई की तरफ जहां उसको मैक आ रही है कोई रोटी टुके भी। अब वो रसोई की तरफ चलता है, फिर घर वाले सदस्य की भी नजर रहती है कुत्ता ना आ जा, उसको एक बार तक कहे तो चल चल, और वो ना डग गए क्योंकि भूख लग रही,
वो दाव लाना चाहता कोई टूक मिले, फिर उसका मारा रट्ठा गए टांग पर लगे किधर कड़ में लग गए, फिर थोड़ी देर तो चिल्ला होगा ट्या ट्या ट्या, अब फिर देखेगा दूसरे घर में सूत बैठ जाए फिर वहां पहुंचेगा। आगे उसके बाद उसका टूक मिले जूत मिले, जब वहां भी लठ लग गया फिर वो बाहर न भाग गया अगर टट्टी खाने खेतों में जंगल में जाओगे जहां फ्रेश होकर आया करे और फिर वो खाओगा। वो पुणात्माओं ये बातें इस मन्ना आपके ऊपर जो तीनों गुणों की त्रिगुण में माया का जो प्रभाव है ये एंटीबायोटिक है उसका, ये बकवास छूटेगी, भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी। क्या बताते हैं, नरचेती तू पशुआ की जय गद्धा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहां मन भोरे कहीं कुरड़ी चरने जाई। कुत्ता भी कुरड़ी पर चरण जाएगा फिर गधा भी कुरड़ी पर चरने जाता है, यानी आहार करने। पुण्यात्माओं ये बातें कर्ण सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है, परमात्मा का आदेश है। इन पर असर होना चाहिए, आपके अमल होना चाहिए, आपके अंदर धक देसी होना चाहिए कि तक नाश हो गया था ये भगवान, किसे अंधे हुए फिरा थे, पपला तून बने फिरा थे, अंडी पाक रहे थे, टाइम पर टूक मिल गए, छोटी मोटी नौकरी थी, धरती तोल रहे थे, ये पता चला कि औकात थी हमारी। सुखदेव ने चौरासी भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ वो हो। सुखदेव ऋषि जैसे ने भी 84 लाख योनियों में धक्के खाने पड़े, जिस साधना को तुम कर रहे हो वो तो वेदों अनुसार साधना करते थे तो भी दुर्गति होगी उनकी, तुम्हारे पास तो ये नकली जंतर मंत्र है आजकल के, ओम नमः शिवाय फलाना शिवाय राधे राधे श्याम मलादे और ये ओम ओंकार ओंकार, ये कोई ये मंत्र नहीं है, ये तो ये मंत्र यहां के भी मंत्र नहीं है अच्छे, जो सही मंत्र नहीं है, और उस परमात्मा के पाने का तो औषधि जा रही है, वो मंत्र अलग है। सुखदेव ऋषि पिछले पुण्य अधिक थे, पिछली तपस्या थी साधना थी, जिस कारण से कोई भी गुरु नहीं बना रखा था, मनमुखी साधना करता था फिर भी आकाश में उड़ जाता था, आकाश में उड़ के स्वर्ग चला जाता था, और जब वो विष्णु जी के लोक में पहुंचा तो उसको बताया गया कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं, यहां से जा चले जाओ वापस, यहां नहीं रह पाओगे तुम। फिर राजा जनक से उपदेश लिया, उसके बाद साधना की, उसको बताया गया था कि यदि सत अब साधना नहीं करेगा, गुरु नहीं बनाएगा तो तू गधे की योनि में जाएगा, 84 लाख योनि भोगेगा। तो जब उसको ये बताया गया कि तू गधे की योनि में जाएगा, क्योंकि संत वही होता है जो कड़वी बात कहा करे, जितना मीठा बोलवा तितना संत ना हो, खरी खरी जो कहते हैं संत कहावस हो। तो जो संत होते हैं दूसरे भगत के हित में, श्रद्धालु के हित में खरी खरी बताया करते हैं, और चापलूसी नहीं करते, उनको लालच नहीं होता किसी वस्तु का। जैसे अभी आपको बताया था कि मधु परमहंस साहेब बंदगी जम्मू वाला जो कह रहा है ये बीड़ी पीना को मना कर दूंगा तो यहां आएगा कौन फिर, तो वो संत है। जितना जो इस तरह अटकड़बाजी से दुनिया इकट्ठी करे आप भी नर्क में जाएगा, उन बुरी आत्माओं को भी गुमराह कर रहा है। जितना मीठा बोलवा और तेता संत ना हो, और खरी खरी जो कहते हैं संत कहावस होए। ये दास कोई भी पता चलता है कि इसने नियम भंग कर दिया, उसको करड़ा कर देता हूं। आप आना है, यहां आने का लाभ तो भी मिलेगा, जब बुराई छोड़ दोगे ना बेसिक मत आना यहां पे, क्योंकि आपको लाभ मालिक जब देगा जब मर्यादा में रहोगे, अन्यथा नाम ले रखा हूं और आपने नियम दिया तोड़, और फिर भी आप सोच रहे हो मैंने नाम ले रखा नहीं, उसी दिन से डिस्कनेक्ट हो गया, आपको मालिक की पावर का सहारा नहीं मिलेगा। पूरी मर्यादा में रहकर देखो, फिर देखो मालिक के खेल, नए नए चमत्कार, आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान ऐसे काम आज भी करता है। हम सुना करते मीराबाई की रक्षा की, द्रौपदी की, प्रहलाद की करी, लेकिन भगवान वही है, चेंज नहीं हुआ। उसे लाभ पाने के तरीके हमने याद कौन रहे, तो
तो इस प्रकार हम फेल हो गए। तो परमात्मा हमें यह बताते हैं कि इन बातों ने याद रखे और हृदय में समाओ ये बातें। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की। तो पुण्यात्मा परमात्मा सभी परमेश्वर कबीर जी जब स्वयं इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने के लिए आए हुए थे, जो आज दास को ड्यूटी दी है, उसमें हिंदू और मुसलमानों को दोनों को ही समझाया करते थे कि तुम एक पिता की संतान हो और आप अपने को ना पहचान कर, परमात्मा को ना पहचान कर यहां भिन्न भिन्न बना दिए काल ने। त्रेता युग में कोई अलग मजहब नहीं था, द्वापर युग में भी कोई अलग धर्म नहीं था, सतयुग में भी कोई अलग से धर्म नहीं था। अब कलयुग में धर्मों की गिनती नहीं, पंथों की गिनती नहीं। इससे सिद्ध है कि यदि एक पंथ परमात्मा के पाने का एक ही पंथ है, एक ही मार्ग है, और ये अलग पंथ हैं तो वो विपरीत हैं। वो कौन सा विपरीत है? एक ठीक है और तो बाकी सब व्यर्थ है। तो ऐसे हमने वो कौन सा ठीक है उसकी पहचान के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है और सदग्रंथों का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो परमात्मा कहा करते थे कि तुमने भूल कर रखी है, हिंदू मुस्लिम दो निभाई, दो कहे सो दो जख जाई, जो दो कहते हैं वो नरक में जाएंगे, हम एक पिता की संतान है। इस काल ने जानबूझ कर ये पंथ और मजहब बनवा दिए कि ये आपस में झगड़ते मरते रहे और परमात्मा को पहचान ना पाए। अपुणात्मा एक मुसलमान धर्म इतने कट्टर बना दिए, ये और किसी की बात सुनकर राजी को ना, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं हैं वही धार्मिक होती हैं और वही परमात्मा पाने के लिए किसी के पास जाती हैं। उस संत ने, पंथ के प्रवर्तक ने जो भी उन्हें ज्ञान दे दिया वो आरूढ़ हो जाती है। जैसे डॉक्टर ने तो दवाई औषधि दे दी तो मरीज तो खाता ही है, उसका तो और कोई विकल्प नहीं उसके लिए। तो काल यही चाह था कि या तो ये नास्तिक हो जाए और ना एक दूसरे के दुश्मन बनकर अपना जीवन नष्ट कर जाए, और जब वो परमात्मा आवे अपने बच्चों को अपना राह बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए, उसकी कोई नहीं सुने। हिंदुओं के गुरु सारी गलत बात, सारी झूठी कथा सुनाया करते, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, यही सारी सृष्टि के रचनार हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा कहा करते थे ये तो नाशवान है, इनकी दुर्गा माता है, काल इनका पिता है, जो कि आज इन्हीं की जीवनी में पुराणों में लिखा हुआ है,